मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत मजलिस में हमें आने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। अल्लाह भी रुकिया कबूल फरमाए और ऐसे मजालिस को अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ढाप लेते हैं। आप सबके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान से नवाजा है और ईमान इतनी बड़ी चीज है कि इस रोए जमीन पर जब तक भी एक ईमान वाला मौजूद रहेगा कयामत नहीं आएगी। तो ये दुनिया का जो बका है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही बड़ा मकाम अता फरमाया है। भाइयों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आज की ये नस्ल कहाँ जा रही है। दीनदारी के एतबार से कितने बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में, टीवियों में और दूसरे खुराफातों में रात रात भर गुजार देते हैं। इस नस्ल के लिए मेरे भाइयों को फिक्र करें। आज हम जिम्मेदार हैं कि बेदीनी और बदहाली पर कौन उड़ाएगा। आज हमारे सामने कोई नदी नहीं है। बुजुर्गों ने तीन उलमाए किराम आकर के हमें नस्ता की नमाज सुनाते हैं, लेकिन भाई जितना सुनते हैं लेकिन अमल इतना होता है। निकालना दिला शिक्षा दे। आज हमारे इलाकों में, हमारे घरों में, गाँव में, शहरों में हो रहे हैं। इन खुराफात पर कौन रोएगा, कौन आपको बहाएगा? भाई मेरा भाइयों, देखिए मौत का कोई भरोसा नहीं है। आप गौर करें, आप इसी मजलिस में देखें कि आप लोगों को ज्यादा बूढ़े नजर नहीं आएंगे, ज्यादा बुजुर्ग नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो भी नहीं पाते हैं, हो भी नहीं पाते उससे पहले की आदत है। तुम्हें ऐसा होगा नहीं होता है। आज इस पर भी अगर हम गौर करें तो ज्यादा बुजुर्ग नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, समझदार शख्स वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है बता रहा है, हमें इन चीजों से छीना जा रहा है। हमारे मसाजिद, मदारिस आज बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। शहरों में जाइए, शहरों में जाइए, आप 10 आदमी नमाज मिलकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। आज गांव में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन शहरों का यह हाल है कि अगर ज्यादा लोग अगर नमाज पढ़ेंगे तो उन पर पुलिस वाले डंडा बरसाते हैं। ये क्यों कि हम जो है मस्जिदों से दूर हो गए। आज हमारे इदारे बिल्कुल खाली हो गए। उलमा किराम रो रहे हैं, रात भर रो रहे हैं हमारे ऐसा क्यों। हम गौर करें, फिक्र करें। आज हमारे माशरे में देखें, हमारे गांव में देखें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों में नमाज हो रही है, वो मोबाइल में मशगूल है। अब रास्तों में जाकर के देखिए, रातों को ये मोबाइलों में लगे हुए हैं, गंदी गंदी चीजों को मोबाइल में देख रहे हैं। ये मोबाइल तो ऐसी चीज है कि अच्छी से अच्छी चीज को देख लीजिए और बुरी से बुरी चीजों को देख लीजिए। ये हो मसला का चार है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इस कौम पर रहम फरमाइए, अपने घर के माशरे को बदलिए, अपने भाई बहनों के माशरे को चेंज कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें गुमराह नहीं करेगा, वरने तो फिर हमारे से अल्लाह तबारक व तआला ये मसाजिद, मराकिज और मसाजिद और खानकाह हमसे छीन लेगा, जैसे छीना जा रहा है। आज कैसे कैसे अजाबात आ रहे हैं हमारे ऊपर। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए हमें जो है
क्या बताते हैं कि समझदार शख्स वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐ ईमान वालों, तुम ईमान ले आओ और सच्चों के साथ रहो, बुरों के साथ ना रहो। हाँ, अच्छों के साथ रहोगे अच्छा बनो, बल्कि दूसरों को भी तलकीन करो वो अच्छा बने। हमारे बड़ी खुशी होती है हमारे इलाके में देख करके, हमारे तलबात को, हमारे बच्चों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह कितने तादाद में उन्होंने हफ्ताज पूरा हमारे इलाके में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बड़ी खुशी की बात है। हम ये इरादा करें इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह हम ये कि घर से कम दो दो तीन तीन बच्चों को उलमा हफ्ताज पूरा बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे उलमा के नाम यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कोई दारुल उलूम में पढ़ रहे हैं, कोई मदार उलूम में पढ़ रहे हैं, कोई शिराए में पढ़ रहे हैं और दीगर इदारों में पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हमारे उलमा जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी बातों से और उनकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों से दीन के दाई और सहदाई को पैदा फरमा रहे हैं, उलमा उस्ताद कुर्रा और मुफ्तियाने दीन को पैदा फरमा रहे हैं। हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे से सारे बुराइयों को खत्म फरमाए, सारे भलाई को कायम दायम फरमाए और अल्लाह के अहकाम पर अमल करके हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई उम्मीदवार एक है, इसीलिए भाई सब तक सुने और अमल करने के लिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जजाकल्लाह।